है हमारा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले खुद से ट्राई करना है एक एक क्वेश्चन। देखो तो पहला क्वेश्चन है, 2p + 1/p = 4, p³ + 1/8p³ कितना होगा, ठीक है। तो देखो जब भी इस टाइप का आएगा आप क्या करोगे, मुझे डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यहां दिया हुआ है 2p + 1/p = 4, तो मैं क्या करूंगा इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड, तो यहां आ जाएगा आपका p, यहां आ जाएगा आपका 2p, ठीक है, क्योंकि मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा ना, और यहां आ जाएगा आपका 2। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दूंगा। आप डायरेक्टली कर सकते हो अगर आपको ट्रिक पता है इसका, ठीक है, पर मैं बेसिक में एकदम करके दिखा रहा हूं। तो दोनों साइड स्क्वायर करेगा तो यहां आ जाएगा, सॉरी क्यूब कर दूंगा मैं दोनों साइड, ठीक है, क्योंकि मुझे क्यूब निकालना है। तो p³ + 1/2, यहां 8 हो जाएगा आपका, ठीक है, और यहां आ जाएगा p³ + 3 * होपफुली आपको पता है कि a + b का होल क्यूब क्या होता है, ठीक है। अब इसमें मत बोलना कि सर ये कैसे आ गया, तो यहाँ p × 1/2 मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं, इसको इधर मैंने क्यूब कर दिया और इसको होल साइड इधर क्यूब कर दिया, तो 1 बाय p³ आ गया, 1/8p³ आ गया, प्लस आपका 3 × p × यहाँ 2p + क्या आ जाता है, p + 1/2p, तो यहाँ p + 1/2p = इधर आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि इसका वैल्यू मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी यहाँ से निकाला था, अभी मैंने इसके ऊपर क्यूब कर दिया ना, पहले तो क्या था ये ऐसे ही था ना। तो p + 1/2p की जगह मैं क्या रख दूंगा, यहाँ देखो p³ + 1/8p³ प्लस, ठीक है, देखो तो ये आपका 3p × 1/2p, ठीक है, और ये p + 1/2p की जगह मैं क्या दूंगा, 2 रख दूंगा यहाँ, ठीक है। तो 2 रख दिया मैंने, तो यहाँ से 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा, तो आपका फाइनल जो आ जाएगा p + 1/8p³, ठीक है, ये 3 उधर चला जाएगा क्योंकि p यहाँ से कट गया, तो ये आ जाएगा आपका 5। तो इसका आंसर हो जाएगा p³ 1/8p³ = 5। इतना आपको करने का जरूरत है ना, मैंने बेसिक में बताया, ठीक है। आप जैसे ही देखते तो आपने इसको जब डिवाइड कर दिया तो आपका फाइनल जो यहाँ आंसर आ जाएगा, ये मतलब ये इसको आप जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, p₁/2p = 2, ये तो आपका मन में दिख जाएगा। तो आप फाइनल आंसर लिखोगे यहाँ p³ 1/8p³, ठीक है, यहाँ आपका कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, आपको पता है क्योंकि क्यूब है, तो यहाँ 8 हो जाएगा, माइनस डायरेक्टली यहाँ 3 करोगे आप, आपका आंसर आ जाएगा 5। तो डायरेक्टली आप इसको कर सकते थे, अदरवाइज मैंने एकदम बेसिक में बताया कि a + b का होल क्यूब करेगा तो p³ + 1/8p³ 3ab a + b आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो ए बी का जगह रखा, 3a क्या मेरा p है और b क्या मेरा है, तो इसको सॉल्व करोगे तभी भी आपका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, हर एक चीज मैंने आपको बता दिया। अब देखो दो संख्याओं का HCF तथा LCM का योग अंतर, देखो ग्रुप जो भी ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है, मैं उनके लिए फिर से बता रहा हूँ, हर एक डाउट जो आपने सेंड किया था मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया, ठीक है, आपके जो भी डाउट्स हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप एक भी क्वेश्चन गलती करो, आप मुझे नीचे कमेंट करोगे कि सर मैंने 14 out of 14 स्कोर किया है, और जो ग्रुप में अभी तक नहीं है मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी मैथ्स एंड रीजनिंग बहुत ही अच्छे से कर लिया है, और जो अभी तक कंप्लीट नहीं किए मेक्स योर ज्वाइन दैट ग्रुप अगेन, ठीक है। चलो दो संख्याओं का HCF तथा LCM का योग वह अंतर, मतलब HCF प्लस LCM, ठीक है, का एड दिया हुआ है 592 और HCF माइनस LCM यही दिया हुआ है ना, दो संख्याओं का HCF तथा LCM का योग और अंतर, ठीक है, दोनों का दिया है मुझे 518, ठीक है। यदि दोनों संख्याओं का योग 296 है, मतलब अगर दो नंबर है a + b = 296 मुझे दिया हुआ है, तो मुझे पूछा है यदि दो संख्याओं का योग 296 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अगर थोड़ा सा ही क्वेश्चन पे नजर डालोगे तो आप विद इन ए सेकंड आंसर मार लोगे। देखो 296 दोनों का सम है, एक ही यहाँ ऑप्शन है जिसको एड करके 296 आ रहा है, लास्ट का देखो 5 + 6 6 7 1 8 5 6 1 7 7 1 8 मतलब एक ही है, वो है आपका ये एक। तो आप डायरेक्टली अगर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, बट हो सकता है कि एग्जाम में एक ऑप्शन ना हो, दो ऐसा हो जिसका ऐड करके मेरा 296 आता है, तब कैसे करोगे, तब भी मैंने आपको समझा के रखा है। मान लो कि दो ऑप्शन होता, मैं एक ऑप्शन मैंने उठाया तो ये 185, बहुत सारे तरीके इसको करने के, मैं जल्दी से दिखाता हूँ कैसे इसको आप कर सकते हो, ठीक है। और ये है 185, तो इसको आप डिफरेंस करोगे। HCF का मतलब क्या होता है, डिफरेंस करोगे तो जो वो आएगा वो HCF होगा या उसका फैक्टर HCF होगा, बहुत बार मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये हो गया 74, ठीक है। और HCF क्या होता है, ये वो नंबर होता है जो गिवन नंबर को डिवाइड कर देगा, मतलब ये सबसे बड़ा वो नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर देगा, समझ में आया। HCF आपने ये पढ़ रखा है, ठीक है, तो ये 74 आ गया, क्या 74 इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप देख के लग रहा है कि ये डिवाइड नहीं करेगा, दैट मीन्स इसका कोई फैक्टर होगा। अगर इसका फैक्टर हाईएस्ट फैक्टर ने मुझे तोड़ना है तो 37 × 2, तो आप देखोगे हाईएस्ट वाला लोगे तो 37, हाँ तो 37, तो इन दोनों का जो फैक्टर है 37 है और इन दोनों को डिवाइड भी ये कर रहा है, ठीक है। और मुझे इन दोनों को अगर यहाँ, और इसमें चेकिंग करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, आंसर तो आप ऐसे ही निकाल ले, तो यहाँ से मेरा क्या आ गया 37 आ गया, और जब यहाँ से आप इसको ऐड करोगे क्योंकि मुझे ये दिया हुआ है, तो यहाँ से जब आप HCF निकालोगे तभी भी ये आपका 37 आएगा, आप चेक करके देख लेना, पर इतना करने की जरूरत थी नहीं, बस आपने देखना था कि यहाँ ऐड करना है 296, इन दोनों को ऐड करते आंसर आप विद इन सेकंड मान कर। तो प्लीज़ ऑप्शन पर भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में एग्जामिनर हर चीज चेक करता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है आपका। b/a = इतना दिया, b/a = कितना है, मतलब 0.25, ठीक है, पॉइंट ऊपर से हटा होगा तो 100 नीचे आएगा, 25 4 जा, ठीक है, तो 1/4 आ गया, तो a = 4 है, b = आपका 1 है, आप इसमें वैल्यू पुट करो, ठीक है, तो a की जगह आप क्या रखोगे 4, तो 8 - 1 आ जाएगा, ठीक है, नीचे रखो 4 2 जा 8
प्लस वन, ठीक है, तो नाइन आ गया। अब प्लस यहाँ आपका टू बाई नाइन दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा सेवन बाई नाइन प्लस टू बाई नाइन, नीचे नाइन कॉमन, नाइन सेवन एट नाइन, नाइन बाई नाइन आंसर आ जाएगा आपका वन, ठीक है। अब ये नहीं कि मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ, ठीक है, आप लोगों को ऐसा फील होता होगा, पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, प्रैक्टिस आपको करना है टाइमर के साथ, अगर टाइमर के साथ नहीं करते हो प्रैक्टिस, एग्जाम फील नहीं होगा, आप एग्जाम में फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। तो आज आप जाओगे, ठीक है, आप जो प्रैक्टिस सेट जहां भी लगाते हो 30 मिनट दो अपने आपको और एक प्रैक्टिस सेट लगा के देखो, आप देखो कितना फ्रस्ट्रेटेड होगे। अच्छे जो भी प्रिपेयर करेंगे वो प्रैक्टिस सेट लगा के करते होंगे, ठीक है, मतलब सॉरी टाइमर लगा के करते होंगे। ए हुआ ए बी के बहन है, ठीक है, उसी तरीके से मैं भी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, ए बी का बहन है, ठीक है, ए व बी बहने हैं, ठीक है, दोनों बहने हैं, ठीक है, तो दोनों पे माइनस लगाएंगे ताकि पता चले कि इसका जेंडर क्या है, ठीक है, मतलब ओमेन है दोनों। सी ए का भाई है, सी ए का भाई है, ठीक है, सी इधर लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, ए का भाई है, ठीक है। डी ई का भाई है, डी डी जो है, ठीक है, किसका भाई है, ई का भाई, ई का मुझे जेंडर नहीं पता अभी, ठीक है, डी ई का भाई है, और ई बी की बेटी है, ई जो है बी की बेटी है, ठीक है, ये मतलब इसका बेटी है, तो मैं नीचे लिख देता हूँ, तो बी किसका, ई किसका बेटी है, बी का, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो डी की मौसी कौन है, तो डी की मौसी मतलब ये डी है, इसका मौसी कौन है, ये इसका माँ है, डी का माँ कौन है, बी, और बी का मौसी कौन होगा, ये होगा, ठीक है, ये मौसी हो जाएगा, और मामा बोलेगा तो कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, पर हमें यहाँ का पूछा है, मौसी पूछा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। यदि हवा पानी है, ये सब कुछ नहीं करना, हवा पानी कुछ नहीं करना, आप लास्ट का देखना कि एग्जैक्टली आपको पूछा क्या, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, यदि हवा पानी है, पानी ये है वो है लंद है, ठीक है, सो जस्ट मेक्स यूर जस्ट गो थ्रू वन पॉइंट, जो आपको लास्ट का चीज़ देखना है कि देखो पूछा क्या जाता है, जाए और आकाश को जमीन कहा जाए तो मछली कहाँ रहती है, मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है। अब देखो पानी को क्या बोल रहे हैं लोग, देखो पानी, पानी को आग कहा जाता है, पानी को आग कहा जाता है, तो डायरेक्टली आप मानोगे आग। लास्ट बस आपको ये देखना है कि तो मछली कहाँ रहती है, कहाँ रहती है, पानी में, देखो पानी को क्या बोल रहा है, पानी मत मार देना, ठीक है, पानी को आग कहते हैं, तो डायरेक्टली, नहीं तो आप पढ़ते रह जाओगे फिर आपको टाइम लॉस हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि किसका है, देखो मेरे हिसाब से इसका आंसर हमको लगा सी होना चाहिए, मेरा जो आपका मतलब अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, बट जो आंसर जो दिया हुआ है ए दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताना कि अगर ए है आप लोग मारते हो तो ए क्यों है, और सी है तो आपका सी क्यों है, प्लीज़ इसको कमेंट कीजिएगा कि आपने क्या सोच के ए मारा चाहे सी मारा, ए और सी में कोई एक होगा, ये आपका सी हो रहा है, आंसर ए दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखो x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू थ्री है, तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू, अब अगर आपने अच्छे से अलजेब्रा किया तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बस, देखो इसमें मैं ऊपर वाला में क्या x कॉमन लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स, एग्जाम में इसी तरीके से करना है, ठीक है। जो दो घंटे का टाइम आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, अगर मैथ एंड रीजनिंग आप नहीं कर पाए, ठीक है, कम समय में, ठीक है, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टाइमर लगा के आज से क्वेश्चंस करना शुरू करो, इतना चिल्ला रहा हूँ, कुछ फायदा अपने ऊपर रखना है, ठीक है। तो यहाँ एक्स में कॉमन लूंगा, तो फिर से यहाँ से मैंने एक्स लिया, ठीक है, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, ठीक है, यहाँ से एक्स एक्स काट दो। अब मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ क्या मुझे निकालना है एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, ठीक है। तो देखो ये कैसा होगा, ये जो हो जाएगा आपका, सॉरी इसको मैं चलो फिर से इसको कर देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में कुछ कुछ हो जा रहा है, पर जल्दी ही करना है, गलत हो जाए अभी एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। मैंने क्या लिया, ऊपर से मैंने x कॉमन ले लिया, ठीक है, तो x कॉमन लूंगा तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अंदर इसको लेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, इसके अंदर में घुसाओगे x तो क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स हो जाएगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर में, तो मैंने x कॉमन ले लिया। सिमिलरली मैं अगर x यहाँ कॉमन लेता हूँ तो यहाँ हो जाएगा x, ठीक है, माइनस वन प्लस वन बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो एक्जैक्टली आपका यही आएगा, ये खैर आपको लेने आता होगा, ठीक है, मतलब अगर कहीं x नहीं है, मान लो यहाँ x नहीं है, तो अगर इससे मैं x कॉमन लेता हूँ तो नीचे x आ जाता है, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वन ही आएगा, x इंटू वन बाई एक्स क्या होगा, x होगा, इसको इसको मैंने काट दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर मुझे चाहिए, और इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर चाहिए, और दूसरा मुझे क्या चाहिए, एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन, तो मैं इससे निकाल सकता हूँ ना आराम से। मैंने बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि x प्लस वन बाई एक्स मुझे दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना होता है, सिंपल है, नाइन माइनस टू कर देते हैं, तो मेरा कितना आ जाएगा ये सेवन, सेवन एट नाइन, वहीं मुझे x प्लस वन बाई एक्स तो मुझे ऑलरेडी दिया था, बस वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर सेवन, ठीक है, और x प्लस वन बाई एक्स मुझे कितना दिया हुआ है, थ्री माइनस वन, तो सेवन बाई टू, सेवन बाई टू है, हाँ है, देखो तो सेवन बाई टू इसका आंसर हो जाएगा। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ मुझे बता देना कि हाँ सर ये सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं पर्सनली कमेंट चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से मतलब ऊपर से, शीर्ष मतलब ऊपर से, ठीक है, 16वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा, सिंपल है, आपने पढ़ा होगा टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट मतलब ऊपर मान लो, ठीक है, राइट मतलब नीचे मान लो, माइनस वन, तो टोटल मुझे दिया हुआ है 49, ठीक है, लेफ्ट कितना है यहाँ, लेफ्ट शीर्ष से मतलब, शीर्ष मतलब ऊपर का लेफ्ट मान लो, ठीक है, तो 16 हो गया प्लस आर माइनस वन, ठीक है, तो अगर इसको इधर माइनस करते हो, इधर करोगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है, 50 आ जाएगा, 50 में 16 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया यहाँ 4, ठीक है, 10 में से 6 गया 4, और ये आ जाएगा यहाँ आपका 4, 4 में से 1 गया तो आपका 3, 34, 34 है, नहीं है, तो आंसर इसका इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि आंसर 34 होगा, ठीक है। तो ऐसे भी ऑप्शन आ सकते हैं जहाँ आपको लगेगा कि हो सकता है मैं गलती हूँ, पर नहीं, आप सही हो, ठीक है, कॉन्फिडेंट रखना है, आंसर इसका डी होगा, 34 होगा, ठीक है। प्लीज़ आप खुद से भी चेक करना, हो सकता है मैं स्पीड कर रहा हूँ तो कुछ क्वेश्चन या कहीं मुझसे मिस्टेक हो जाए, पर ऐसे मिस्टेक हुआ नहीं है, ठीक है, तो आप जरूर चेक कीजिए कि मैं
अब देखो डी फिजिकल टू 3587, ठीक है, फाइल का मतलब 7465, तो आइडियल का मतलब क्या होगा, तो देखो आइडियल का मतलब क्या होगा, तो आई आई मतलब क्या है, डायरेक्ट देखो आई मतलब 4 है, ठीक है, ठीक है, तो 4 4 तो सब में है, मतलब ये तीनों में से कोई होगा, डी देखो डी डी 4 3, तो मतलब इन दोनों में से कोई होगा, तो तीसरा आप चेक ही मत करो क्योंकि तीनों इसमें भी 5 है, छठ दादा का आप फोर्थ वाला चेक करो, फोर्थ वाला मतलब ए, ए क्या है आपका, आप देखो ए कहाँ है, ए इसमें है, मतलब 8 किस में, 6 है इसमें, इसमें 8 है डायरेक्टली, तो ये भी एक तरीका होता है, आप देख लो कहाँ तक इक्वल है, ये दोनों 3 तक इक्वल था तो मैंने पूरा चेक नहीं किया, कहाँ अनइक्वल है, इस पे अनइक्वल है, तो मैंने डायरेक्टली इस वर्ड को डायरेक्टली मैं चेक करूंगा, ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दुगनी है, ठीक है, तो ये फादर है उसका, वो बेटी है, डॉटर है, ठीक है, इसका 1 है तो इसका 2 है रेशियो में, मान लो, तो यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, ठीक है, तो 20 वर्ष है, 20 वर्ष है, 20 टाइम 1 है तो कितना से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 20 हो जाए, तो 20 इसको भी कितना से मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो डेफिनेटली 20 से करूँगा क्योंकि ये दोनों रेशियो में है, तो ये हो जाएगा 40, तो वर्तमान आयु हो गया दोनों का, या श्रीमान की आयु पुत्री की वर्तमान से दुगनी है, ठीक है, वर्तमान है मतलब ये प्रेजेंट है, ठीक है, यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, ठीक है, तो ये भी मैंने निकाल दिया 20 वर्ष के हिसाब से, ठीक है, तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु से तिगुनी थी, मतलब पहले का पूछ रहा है, ठीक है, तो कितने वर्ष पहले, ठीक है, कितने वर्ष पहले जो पापा का एज था उसका बेटी से 3 गुना था, ठीक है, तो अब यहाँ क्या माइनस करोगे कि इसका 3 गुना आ जाए, आप ऑप्शन से भी डायरेक्टली चेक कर सकते हो, पर मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, अगर मैं यहाँ 10 माइनस करता हूँ, इधर भी 10 माइनस करता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, मतलब 10 वर्ष पहले जो था उसका पापा जी जो थे अपनी सुपुत्री से 3 गुना थे, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप करके देखो, ठीक है, पहले हर एक क्वेश्चन खुद से करना है मेरे दोस्त, ठीक है, तो देखो 2 × 4, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे सोचना पड़ गया था, ठीक है, थोड़ा सोच के करना, ठीक है, कि कैसे आएगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आपको फंसाए कृपया करके उसको छोड़ दे और आगे बढ़ जाए, ठीक है, लास्ट में समय बचेगा, पूरा दिमाग लगाइएगा, ठीक है, तो 2 × 4 प्लस इसमें जो है आपका 4 + 4 = 5 = 6, ठीक है, तो ये होगा 14, देख लेते हैं एक बार ये हो रहा है कि नहीं, 4 × 2 = 8, ठीक है, 8 × 5 = 13 होता है, ये पर ये 6 है, तो क्या है, सही है, मतलब 14 है, तो मतलब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको प्लस करना है, तो 3 × 2 + 3 + 2 = 5, ठीक है, तो 6 + 5। अब ये क्वेश्चन भी आप लोग इजिली कर लोगे, बस एक चीज़ आपको ट्रिक्स दिमाग में रखना है, क्या वो ट्रिक्स नहीं, वो है आपका प्रैक्टिस, मिसिंग नंबर हर दिन मैं बोल रहा हूँ, कराता भी हूँ मैं, सीरीज और मिसिंग नंबर आपको हर दिन करना है 5 5 क्वेश्चन, अगर आप देखो बाद में हर दिन बोल देता हूँ, ठीक है, पर आप उस पर गौर नहीं करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट नहीं आ पाएगा। देखो अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखो एक व्यक्ति प्रतिदिन यहाँ ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटा आराम करके एक निश्चित दूरी 50 दिन में तय कर लेता है, यदि वह दुगना आराम करे, दुगना तेज चले, तब वह दुगनी दूरी कितने दिन में तय करेगा, तो देखो सिंपल है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन हिंदी में, तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, वो प्रतिदिन 9 घंटा रेस्ट करता है, प्रतिदिन 9 घंटा रेस्ट करता है, मतलब वो कितना जो मतलब टाइम काम करता होगा, तो 24 माइनस इसको मैं लिख देता हूँ, 24 इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप अच्छे से नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, 24 माइनस 9 तो मतलब 15 आवर डे वो पर दिन काम करता है, ठीक है, 50 दिन वो टोटल काम किया है, तो 15 × 5 = 75, मतलब 750 आवर वो पूरा काम किया है, तब वो काम कंप्लीट, मतलब वो डिस्टेंस पहुंच गया, ठीक है, मतलब जहां उसको जाना था, तो एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटा आराम किया तो बच गया कितना, उसका 15 घंटा काम करता है हर दिन में, हर दिन, ठीक है, मैं काम करने का बात कर रहा हूँ, यहाँ पूछ रहा है वो जाने का, ठीक है, तो एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटा आराम करता है, ठीक है, करके एक निश्चित दूरी 50 दिन में तय कर लेता है, मतलब निश्चित दूरी कर लेता है या वो काम कर लेता है, ठीक है, समहाउ वो रिलेट करता है उस चीज़ को, ठीक है, तो वो 50 दिन में वो जो भी डिस्टेंस था वो ट्रेवल या पूरा कर लेता है, ठीक है, उसके बाद बोला है यदि वो दुगना आराम करे, दुगना आराम करे मतलब कितना, वो पहले 9 करता था तो दुगना करेगा मतलब 18 करेगा, ठीक है, दुगना आराम करे, यदि वो दुगना आराम करे तो दुगनी तेजी से चले, और दुगनी तेजी से चले तब वो दुगनी दूरी कितने दिन में तय करेगा, तो देखो अभी फिर से हम लोग टाइम, अभी टाइम मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो मेरा कितना निकला है 750 आवर वो काम करता है, ठीक है, पहला कंडीशन से, अगर मैं दूसरा कंडीशन मारूं तो क्या है, दुगनी आराम करता है, दुगनी तेजी से चलता है, तब वो दुगनी दूरी तय करता है, तो 2D मतलब दुगनी भी डिस्टेंस भी वो डबल ट्रेवल करता है और दुगना स्पीड से भी चलता है, तो 2 2 काट देगा, तो डी बाई एस कितना आया, डी बाई एस पहले भी 750 था, मतलब मैंने मान लिया कि डिस्टेंस डी है, स्पीड एस है और टाइम टी है, ठीक है, तो डी बाई एस मेरे मुझे पता है वो आपका 750 आवर, ठीक है, मतलब वो सेकेंड में भी, ठीक है, मतलब जो सेकेंड कंडीशन है उसमें भी वो 750 आवर ही चलता है, ठीक है, समझ में आया, और ये बताया हुआ है कि वो एक दिन में कितना काम करता है, तो देखो 18 घंटा तो रेस्ट कर लेता है, तो 18 घंटा जब वो रेस्ट कर लेता है तो बचता कितना है, देखो 24 माइनस 18 करोगे तो बचेगा 6, मतलब 6 आवर पर डे वो काम करता है, ठीक है, तो इसको 6 से टोटल वो ट्रेवल कितना किया है 750, और 6 घंटा वो हर दिन काम करता है, तो इसको करोगे तो ये जो आ जाएगा आपका 125 डेज आ जाएगा, ठीक है, तो 125 डेज आपका इसका आंसर, समझ में नहीं आया तो बैक कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, जहाँ समझ में नहीं आएगा नीचे कमेंट कीजिएगा, हम पर्सनली कमेंट में आपको रिप्लाई करेंगे। अब ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पर मैंने इसको इंग्लिश में ले लिया क्योंकि इंग्लिश में ही मुझे किसी ने सेंड किया था ये,
अच्छा लगा तो मैंने ले लिया, ठीक है। देखो मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ। इन ए ग्रुप ऑफ इक्वल नंबर ऑफ काउस एंड हर्ड्समैन। देखो अब ये बहुत आदमी को तो हर्ड्समैन का मतलब ही नहीं पता होगा, ठीक है, तो हिंदी में पढ़ लीजिएगा जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखे तो। इन ए ग्रुप ऑफ इक्वल नंबर ऑफ काउस एंड हर्ड्समैन द नंबर ऑफ लेग्स वॉज 28 लेस देन फोर नंबर फोर टाइम्स द नंबर ऑफ द हेड्स द नंबर ऑफ हर्ड्समैन वॉज, ठीक है। देखो एक एक ग्रुप है, ठीक है। हर्ड्समैन मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ, जो चरवाहा होता है, ठीक है, जो गाय वाय चराने जाते हैं। तो बोला है कि एक जगह है, एक ग्रुप है जिसमें चरवाहा और गाय इक्वल है, मतलब जितना चरवाहा है उतना गाय है, ठीक है। उसके बाद बोला है एंड हर्ड्समैन द नंबर ऑफ लेग वॉज, जो दोनों का लेग मतलब दोनों का पैर मिला के, ठीक है, दोनों का पैर जो है मतलब चरवाहा का और गाय का वो कितना है, तो 28 कम है, ठीक है, किससे, फोर टाइम्स मतलब चार गुना द नंबर ऑफ हेड, जितना उसका वहाँ माथा है उसके चार गुना से क्या कम है नंबर ऑफ लेग्स, ठीक है। होपफुली समझ गए होंगे क्वेश्चन। अब देखो इसको करना कैसे, इंग्लिश वाले इसको अच्छे से समझ गए होंगे, हिंदी वाले के लिए मैंने समझा दिया। अब देखो इसको करना कैसे, इसको आपको समझना है, ठीक है, क्या किस सेम टाइप का मैंने क्वेश्चन एक बार करवाया था, ठीक है, थोड़ा इसी से एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, मतलब वर्ड्स ये नहीं थे पर जो मतलब डाटाज ये नहीं थे पर क्वेश्चन यही था, ठीक है, तो उन लोग विद इन ए सेकंड कर लेंगे। तो हर एक प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, एग्जाम में आप एकदम बेहतरीन करके आओगे। तो देखो इसको करना कैसे, सिंपली मान लेता हूँ कि काउ का सी मान लेता हूँ, ठीक है, और हर्ड्समैन का मैं एच मान लेता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेग्स का अगर मैं बात करूँ, ठीक है, नंबर ऑफ लेग्स का अगर मैं बात करूँ तो कैसे होगा, ये फोर सी मतलब क्या, सी क्या है नंबर ऑफ काउज है, हर एक काउ का कितना होता है पैर, चार होता है, ठीक है, और आदमी हर्ड्समैन का कितना पैर होता है, दो होता है, और नंबर ऑफ हर्ड्समैन क्या मैंने माना है, एच माना है, ठीक है। इसके बाद बोला है कि ये क्या है, जो नंबर ऑफ लेग्स जो है वो 28 लेस है, मैं 28 कम है किसके कंपेयर में, फोर टाइम्स द नंबर ऑफ हेड्स, फोर टाइम्स द नंबर ऑफ हेड्स, तो हेड्स तो दोनों का एक ही एक होगा, तो यहां मैं एच लेता हूं, यहां मैं क्या लेता हूं, सी लेता हूं, ठीक है, समझ में आया। माइनस में 28 करूंगा क्योंकि उसने बोला कि माइनस 28 है, ठीक है, मतलब 28 कम है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 4c प्लस, देखो ये कुछ था नहीं, बस लैंग्वेज को इसको हिंदी में जरूर पढ़ लेना, इस टाइप के क्वेश्चन को घुमा रहे, हिंदी में पढ़ोगे तो आप इजिली कर लोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4h प्लस 4c माइनस 28, 4h और नहीं नहीं 4c हम लोग काट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ 4c है और यहाँ भी 4c है, पर यहाँ 2h है, तो 2h यहाँ आ जाएगा आपका 4h और यहाँ आ जाएगा आपका 28, ठीक है, तो 28 उधर चला गया, 2h इधर चला जाएगा, तो 2h इक्वल टू हो जाएगा आपका 28, ठीक है, यहाँ 28 है तो h इक्वल टू आ जाएगा आपका 14, तो 14 हो गया इसका आंसर, मतलब हर्ड्समैन जो था आपका 14 था। अगर वो पूछे कि वो कितना था, वो भी 14 ही था क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। चलो 3 साल पहले 5 सदस्य, अब ये क्वेश्चन मैंने फिर से ले लिया, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि कल भी मैंने ये लिया था पर कुछ लोगों के समझ में नहीं आया तो अभी मैं फिर से कर दे रहा हूँ। देखो 3 साल पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत उम्र 17 थी, ठीक है, तो 5 साल पहले कितना था, 17 था, 3 साल पहले क्या बोला है, 3 साल पहले एक बच्चे पैदा होने से उस परिवार की औसत उम्र आज भी वही है, तो बच्चे का उम्र क्या। देखो अगर आपने एवरेज अच्छे से समझा है मेरे प्यारे दोस्तों, आप विद इन ए सेकंड कर लोगे। देखो अगर मैं अभी का बात करूँ तो एवरेज कितना है, 17 है, और लोग कितने हैं, 6 है, क्योंकि अभी बच्चा भी आ गया, तो टोटल ये क्या हो जाएगा, ये टोटल एज निकल जाएगा, तो टोटल एज जो आ गया आपका क्या हो गया, 102, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, मान लो 5 आदमी ही होता तो अभी उसका एवरेज, अभी उसका टोटल एज कितना होता, 5, ठीक है, प्लस एवरेज अभी मैं मान लेता हूँ कि वो 5 ही आदमी होता, तो 3 साल के बाद उसका तीन साल सब में बढ़ेगा, मतलब क्या एवरेज भी तीन बढ़ेगा सब में, तो एवरेज भी तो इंक्रीज होगा। तो अगर मैं मानता कि मेरा 5 ही आदमी है, ठीक है, तो 3 साल पहले उसका 17 एवरेज था, तो अभी जो होगा 3 साल के बाद एवरेज कितना होगा उसका, 20 होगा, और ये प्लस इसमें और क्या करे कि ये इक्वल इसके हो जाए, तो ये होगा उसका एज, उस बच्चे का एज, ठीक है। अगर इस तरीके से भी समझ में आया तो प्लीज बोलना, मैं नेक्स्ट में इसको एक और तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस ये हो जाएगा एक्स, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 ईयर, तो इसका 2 ईयर आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज प्लीज प्लीज।